इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक यूज ऑफ हैज एंड हैव करेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे हैव का हमें भी यूज होता है और हैज का हमें भी यूज होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हैज किस किस के साथ यूज हो रहा है, ही हैज, शी हैज, इट हैज एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन होता क्या है हमें वो भी पता होना चाहिए। नाउन तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। नाउन किसी भी पर्सन का नेम, किसी वस्तु का नेम, किसी जगह का नेम, उसे हम नाउन बोलते हैं। अब वर्ड है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक ही। किसी एक व्यक्ति का नेम, किसी जगह का नेम हो, उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा हैज का यूज करेंगे। इसी तरह हम हैव का यूज सीखेंगे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हैव कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होता है। वैसे तो हमें देखने से पता चलता है कि आई क्या होता है, आई एक सिंगुलर नाउन वर्ड होता है। ठीक है, लेकिन आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ये स्पेशल केस है। ठीक है, वैसे हम प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करते हैं, लेकिन इस केस में हम आई के साथ भी हैव का यूज करते हैं। अब प्लूरल नाउन एक टर्म आई, प्लूरल नाउन होता क्या है। जैसे हमने सिंगुलर नाउन पढ़ा, सिंगुलर नाउन में हमने बोला कि किसी एक व्यक्ति या एक चीज का नाम, उसी तरह प्लूरल में क्या होगा, एक से ज्यादा। वो एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकती है, कोई भी स्थान भी हो सकता है और चीजें भी। ठीक है, अब हम इसी चीज को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ही डैश अ कार। ही के साथ पिक्चर में देखो क्या लगेगा, ही के साथ हैज, तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। इसी तरह हम दूसरी तरफ चले तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई डैश अ बुक। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि आई एक स्पेशल केस है, तो आई के साथ हमने हमेशा हैव का यूज करना है। I have a book, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। इसी तरह अगली एग्जाम्पल, गुरवीन डैश प्लग अ फ्लावर। गुरवीन ने क्या किया, फ्लावर को तोड़ा। तो गुरवीन क्या है, इसमें किसी लड़की का नेम है, मतलब नाउन है। तो किसी एक लड़की का नाम हो सकता है गुरवीन, तो हो गया सिंगुलर नाउन। तो हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, तो हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह इधर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी डैश मैनी बॉयज। वी के साथ क्या लगेगा, हैव। तो हमने वी के साथ हमेशा हैव का यूज करना है। किसी भी सेंटेंस में अगर वी आता है तो उसके साथ हमने हैव ही यूज करना है। ठीक है, वी हैव मैनी बॉयज, मेरे पास बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। ही के साथ भी हैज का यूज होगा। एंड इसी तरह इधर देखिए, यू डैश अ काइंड हार्ट। यू के साथ हैव, तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से वर्ड के साथ हमने हैज यूज करना है और कौन से के साथ हैव। इसी तरह इट के साथ ऑलरेडी पता है हैज, एंड इधर दे के साथ